सूबे में शराबबंदी के नाम पर भले ही नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते रहे हों, लेकिन बक्सर में इस शराबबंदी की पोल पुलिस कर्मियों द्वारा खोल कर रख दी है। मामला डूमराव में हरियाणा फॉर्म स्थित BMP-4 के प्रशिक्षण कैंप का है, जहां नशे में धुत दो प्रशिक्षु सिपाही आपस में अन्य सिपाहियों के साथ भिड़ गए और जमकर मारपीट की, जिसकी वजह से वहां अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिला बल में तैनात आरक्षी उपेंद्र सिंह और वैशाली जिला बल में तैनात दिनेश कुमार सिंह को विशेष प्रशिक्षण के लिए BMP में भेजा गया। यहां उन लोगों ने कहीं से शराब का इंतजाम उसे कर पी लिया। वहीं जिला बल में तैनात योगेंद्र कुमार अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद उपेंद्र और दिनेश को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा, लेकिन शराब के नशे में पहले से धुत उपेंद्र और दिनेश साथी कर्मी योगेंद्र से उलझ गए और उनकी जमकर धुनाई भी कर दी, जिसके बाद योगेंद्र कुमार ने पूरे मामले की जानकारी BMP DSP अमरेंद्र कुमार को दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि दोनों प्रशिक्षु शराब के नशे में कैंप से मारपीट कर रहे थे। BMP में जो MPCP कोर्स चल रहा है उसमें PTCP ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें उसको कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उसी ट्रेनिंग कोर्स में वहाँ के हवलदार के द्वारा उन लोगों को ड्यूटी सुनाया जा रहा था, उसी में दो प्रशिक्षु और जो कॉन्स्टेबल थे उन लोगों के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की भी की गई। उस संबंध में वहाँ उनके द्वारा एक आवेदन डुमराव थाने में दिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और उनका मेडिकल कराया गया और मेडिकल के पश्चात शराब पीने की पुष्टि हुई, तो उसके पश्चात उन दोनों को जेल पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने दोनों प्रशिक्षकों को हिरासत में ले लिया है और मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही सिपाहियों के पास हथियार को देखते हुए पूरे परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।